कुछ लोग का सवाल ये है कि हम मैंने आम आदमी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली। भाई वो लोग भी तो परिवर्तन लाना चाहते थे। जब मेरा मानना ये है कि सही मायने में परिवर्तन लाने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता है। जब तक ये इन तीनों चीजों का समावेश नहीं होगा, परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब ये तीन चीजें क्या है? तो सबसे पहली, जो कि अधिकतर हर एक पार्टी या हर एक नेता में मिल सकती है, वो है नियत। नियत माने इंटेंशन। नियत तो भाई आम आदमी पार्टी बनी, नियत अच्छी थी भाई, देश बदलना है, देश का विकास करना है, मोदी जी भी देश का विकास कर रहे हैं, नियत सबकी अच्छी है। तो नियत पहली चीज है। दूसरी चीज जो है, जो बहुत ही अहम है, तीनों चीजें अहम है, दूसरी अहम चीज जो है वो है नेतृत्व या लीडरशिप। लीडरशिप के मायने जो है, वो सही मायने जो है लीडरशिप के, नेतृत्व का, कि एक अच्छा नेता और ढेर सारे नेता बनाता है, एक अच्छी टीम बनाता है, अपने से अच्छे लोगों को नेतृत्व में लाता है। ये नहीं कि बस केवल मैं ही नेता हूं, वो बहुत बड़ी समस्या है। एक अच्छा नेता 10 अच्छा नेता और बनाएगा। और तीसरी अहम चीज जो है वो है नीतियां, पॉलिसीज। जब तक आपके पास अच्छी पॉलिसीज नहीं होंगी, वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसीज, जो कि ऐसा नहीं कि हमें कुछ इन्वेंट करना है कुछ नया, बहुत सारी चीजें बाहर के देशों में अच्छी चल रही हैं, वो मॉडल हमको ले लेना है। और ये कहना गलत, अरे नहीं भारत अलग देश है और वो अलग, वो छोटे देश है, भारत बहुत बड़ा देश है, वो सब मिलाकर ही कहा। तो तीन चीजों का जब समावेश होगा, नियत, नेतृत्व और नीतियां, तीनों मिलेगी तब परिवर्तन आएगा। अब आप अपने आप से पूछिए, आम आदमी पार्टी में नेतृत्व सबको बाहर निकाल दिया, ये नेतृत्व होता है? कतई नहीं। नीतियां जीरो है, उनकी पार्टी बनने के पहले हम लोगों ने कहा था वो फेल होंगे, क्योंकि नीतियां उनकी जो है वो सोशलिज्म में, समाजवाद में उनकी जड़ है, इसलिए वो फेल होंगे। और ये तीन पैमाने जो आप किसी भी पार्टी पे अपना लीजिए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी, चाहे सपा, बसपा, शिवसेना, चाहे जो हो, जब तक ये तीनों चीजें ना होंगी तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए जो है हमने आम आदमी पार्टी, हमने आम आदमी पार्टी का बहिष्कार करते हैं इस कारणवश।